दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर कविता पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने विभिन्न बिंदुओं पर कविता के माध्यम से संदेश दिया। कार्यक्रम के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह और कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मीतू सिंह, भीम सिंह, केतन यादव, अनुज अग्रहरी, उत्कर्ष त्रिपाठी सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, मैं इस बच्चे की तारीफ हम उस देश के वासी है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसे कैसे से वो हमारा दोस्त होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, पर वो स्थिति तो इसकी कुछ विपरीत ही है। इसी भूमिका के साथ मैं अपनी कविता को शुरुआत करना चाहूंगा। हम उस देश के वासी हैं जहाँ जन्म लिए कबीर है, जहाँ की मिट्टी भी अबीर है, जिसकी आंगन में खेले खुद रघुवीर हैं, ऐसी सरजमी के हम वीर हैं। अपनी कायरता पर नाश करने वालों, आतंकवाद पर राज करने वालों, मत भूलना हम भारतवासी हैं। 18 के बदले 38 मारने में हम सिर्फ एक ही काफी है। सैनिकों की बस्ती मत भूलना हम भारतवासी हैं, और मक्का सैनिकों की बस्ती मत टकराना हमसे वरना तू खोलेगा अपनी हस्ती। और याद है जब कारगिल में मजा चखाया था, सर्जिकल स्ट्राइक कर घर में घुस कर मार गिराया था, फिर तुमको पकड़ाया था। हम भारतवासी हैं, हमारा अभिमान कश्मीर है, मत लड़ हमसे क्योंकि तेरी तो खुद की हालत गंभीर है, तेरी तो खुद की हालत। आप आएंगे और अपना हम स्वयं का कार्यक्रम सफल बनाएंगे, जिससे कि हमको लगता है कि आपकी उपस्थिति आपका जो घेरा बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा आग्रह है कल 10:30 पर आप लोग यहाँ आएंगे। और इसी के साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केशव सिंह जी, हमें व्हाट्सएप के जरिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल सचिव जी का धन्यवाद जिन्होंने अपना, लेकिन खास बात क्या है, मैं चाहता हूँ कि कल जो बच्चे बोले वो राष्ट्रवाद पे बोले। राष्ट्रवाद वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारधारा है जिससे आप किसी भूभाग, किसी भी राष्ट्र के हित के बारे में बात करें, उसके बारे में सोचें, और जिस विचारधारा की वजह से उस राष्ट्र की संप्रभुता बनी रहे उसे राष्ट्रवाद बोलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती समारोह के अवसर पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी कि इसको एक समारोह पूर्वक मनाया जाए, जिसके अंतर्गत 24 दिसंबर 2018 को आज राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता तथा राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुल सचिव जी श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी थे। कार्यक्रम में हमारी कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मीतू सिंह तथा श्री महेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने सहयोग किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व तथा देश के प्रति उनका योगदान पर विषय पर यहाँ आज चर्चा हुई। और यह चूंकि विश्वविद्यालय परिवार, राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार, हम सब लोग कृतज्ञ हैं उस प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने हमें नई सोच दिया, नई दिशा दिया। हम उन्हें याद कर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं तथा भविष्य में उनके बताए हुए आदर्शों, उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और कल दिनांक 25 दिसंबर 2018 को 11 बजे राष्ट्रीय सेवा योजना परिसर पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है तथा
उसमें हम राष्ट्रवाद से कोई बड़ा धर्म नहीं विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किए हैं, जिसके मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर राजवंत राव साहब और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भी उसमें प्रतिभाग करेंगे तथा हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक सेविकाएं भी रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।